नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के रामभद्रपुर पंचायत से आप विशेष कवरेज में आज देखेंगे कि मां के पूजा के बाद आज विसर्जन की बारी आ गई। दशहरा के दिन भव्य तरीके से लगातार पूजा पाठ के बाद यहां पर विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान मैथिली गायक के द्वारा लगातार मां का यहां पर भजन संध्या चलता रहा, जिसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहां पर उपस्थित रहे और मां के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे। रामभद्रपुर पंचायत में बहुत ही विभिन्न तरीके से पूजा पाठ होता है। यहां पर दशहरा के बाद जो है, खासकर ये विसर्जन के बाद जो है, तालाब में जाकर जो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद यहाँ मंदिर में आकर जो अपराजिता पूजा होता है, पूरे गांव के लोगों के लिए यहाँ पर प्रसाद वितरण हो या फिर जो जल कलश में होता है वो जल दिया जाता है, पूरे गांव के लोग कलश का जल लेने के लिए आते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो परंपरा है वो चलता आ रहा है। इस वर्ष भी ये पूजा पाठ किया गया। आपको बता दें कि रामभद्रपुर पंचायत के सभी लोग इसमें शामिल हैं और जिसमें 50 युवक शामिल हैं जो विसर्जन करने में लगे हुए हैं। विशेष कवरेज आप देख रहे हैं रामभद्रपुर पंचायत से। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान को लाइक और फॉलो और शेयर जरूर करिएगा। देखते रहिए विशेष कवरेज। भारत उदय समाचार की सभी कवरेज देखने के लिए यहां देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहां उपस्थित हैं वो यहां पर पूजा पाठ देख रहे हैं और भजन कीर्तन देख रहे हैं। खासकर विसर्जन के दौरान हजारों की संख्या में जो लोग थे वो लगातार भारत यहां पर माता की जयकारा कर रहे थे। गणेश भगवान की, लक्ष्मी माता की, माता शारदा की, रमन महाराज की, कार्तिक महाराज की, भवानी की, माता रानी की, माँ अम्बे की, माँ जगदम्बे की, माँ श्यामा की, माँ काली की, Yeah!
बार का दुर्गा पूजा 2 साल कोरोना से जो नहीं हो रहा था उसके कारण बहुत अच्छा से हुआ है। सब पूरे परिवार के साथ फैमिली सब पूरे गांव के आए हैं भक्तगण, हम लोग भी आए हैं पूरे फैमिली से, बहुत अच्छा ही रहा। एकदम मानिए कि हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग दशमी के दिन भगवती का विसर्जन किए हैं। बहुत अच्छा से एकदम शांतिपूर्वक खूब सुंदर जो होता है उस हिसाब से पूजा पाठ पूरा प्रोग्राम जो भी हो सका है बहुत अच्छा हुआ है। कितना एंजॉय किया आप लोग, बच्चा लोग कितना एंजॉय किया? बहुत, बच्चे लोग तो इतना खुश थे, वो कूदने वाला झूला पूरा ये लाइट ये पूरा ये सब देख के वो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि इस बार कितना अंदर वो लोग खाए, चाउमीन बड़ा पाव बर्गर जो भी होता है खाने वाला मिठाई पेरा सब खाए। आनंद है कोरोना के बाद? बहुत आनंद है इस बार, क्योंकि कोरोना में क्या स्थिति था आपके गांव में? तो हमारे गांव में पूजा प्रधान है तो टेंट वेंट कोई भी लाइट नहीं, पूजा के अलावा की हम बात कर रहे हैं, पूजा के अलावा की बात, मेला ही नहीं लगता था। नहीं पूजा के अलग पूजा के बाद की बात करें अगर तो परिवार में क्या स्थिति था, कोरोना से कितना डर लग रहा था? सब डरते थे कि मंदिर कैसे जाएं, किसी में सटेंगे। कोरोना ऐसा था कि एक दूसरे से छुआछूत से भी खराब था, टीवी से भी खराब था, डर लगता था लोगों को लोगों से मिलने में। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी झा हुआ। पिताजी? श्री भगवान जी झा। गाँव जी बताए कि कैसा रहा विसर्जन से कलस्थापन से लेकर विसर्जन तक का जो कार्यक्रम हुआ है गांव में कैसा रहा? सबसे पहले तो सब आदमी को धन्यवाद जो शांतिपूर्वक ढंग से मेला संपन्न होने के बाद माता रानी का विसर्जन संपन्न हुआ। दूर दराज से आए अतिथि महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सारे काम में सहयोग किए और सब लोगों के सहयोग से माता रानी का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। और जो हमारे गांव की परंपरा है उस हिसाब से विधिवत पूरा पूजन के साथ शांतिपूर्ण माहौल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के साथ माँ भगवती का विसर्जन समाप्त हुआ। हमारे यहाँ प्रथा भी है कि सबसे पहले गणेश भगवान की प्रतिमा निकलती है, फिर लक्ष्मी महारानी की, फिर कार्तिक महाराज की और फिर दुर्गा महारानी की, और उसके बाद भगवती पोखर है उसी में उनका विसर्जन होता है और उसके बाद पुनः फिर पूजा होता है और उसके बाद फिर सभी आदमी घर जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पूरे गांव का एक ही जगह कलश स्थापना होता है, इसलिए सारे ग्रामीण जो भी हो एक ही जगह रहते हैं और फिर पूजा के बाद सारे वो कलश के जल लेकर के फिर अपने घर जाते हैं। और आज मैथिली धरोहर कार्यक्रम भी था, इसमें सोहर समदौन जो मैथिली परम्परा के अनुसार सारा चीज़ होता है भगवती की विदाई के समय में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कमेटी के द्वारा किया गया था। मौसम के मिजाज को बदलते हुए भी भक्तगण बहुत जोश और खरोश के साथ लास्ट तक टिके रहे और भगवान ने भी लास्ट तक साथ दिया और मौसम धीरे धीरे ठीक हुआ और भगवती का विसर्जन बहुत ढंग से हुआ। और हम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में पूरा सहयोग किया और लगातार कवरेज की, आकर के वस्तु की स्थिति जानकारी दिए और पूरी तरीके से सहयोग में रहे, क्योंकि मीडिया जो होता है सो चौथा स्तंभ होते हैं और खास करके भारत उदय समाचार का मैं तहे दिल से और कमेटी की ओर से भी सारे ग्रामीण की ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूर्णतया सहयोग किया और आज तक विसर्जन के बाद भी वो मेरे साथ हैं, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ग्राम पंचायत के स्तर से भी, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ, तो मैं ग्राम पंचायत के स्तर से उसे मैं मीडिया बंधु को तहे दिल से और खास करके भारत उदय समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने लोग विसर्जन में शामिल होते हैं, जो लोग तालाब में जाते हैं कितने की संख्या में रहते हैं युवा? लगभग 25 से 30 युवा रहते हैं जो सारे तालाब में भक्ति का विसर्जन करने के बाद भी तालाब के दूसरे साइड निकलते हैं। जिनको तैरने आता है वही? हाँ, जिनको तैरने आता है वही खास करके जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ रहता है तालाब में, बारिश का मौसम के बाद दुर्गा पूजा होता है, इसीलिए उसमें जो तैरने वाले युवा हैं 25 से 30 युवा रहते हैं और प्रतिमा विसर्जन के बाद फिर वो एक साइड से प्रतिमा विसर्जन होता है और दूसरे साइड पर हिल करके निकलते हैं। इस बार आपके लिए कुछ खास था आपके जीवन में, इससे पहले आप मुखिया नहीं हुआ करते थे, इस बार आप खुद मुखिया थे, आपके कंधे पर जिम्मेदारी भी थी, अपने आप को कैसा अनुभव? मतलब देखिए, हमको लगभग इसी दुर्गा पूजा के समय में अगले साल चुनाव का घोषणा हुआ था, 26 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट निकला था, तो चूँकि पूजा तो विधिवत होती है तो आगे पीछे तीत होता है, मुझे बहुत सुखद अनुभव रहा इस बार। और ख़ास करके हम दो चीज़ जो देखे अपने मुखिया बनने के बाद, एक तो सफाई सुथरा मैंने अपने स्तर से करवाया, नाला वगैरह सब जानता जो भूतपुर में नहीं किया गया था, तो हम सफाई पर में और कुछ स्ट्रीट लाइट भी हमने लगाया जो गाँव के चारों ओर जो रोड है जहाँ से श्रद्धालु आते थे दर्शन करने के लिए, वहाँ पर मुझे लगा कि अंधेरा है और मैं चारों बगल साफ भी करवाया। और चूंकि ODF जो है सो रजिस्टर पर ही ये पंचायत है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे चूँकि पूजा का माहौल है,
तो चारों बगल हमने साफ करवाया अपनी तरफ से, और हमें लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, अगर कोई हमारे गाँव में आते हैं उनको लगना चाहिए कि कुछ हुआ है। और हम आगामी भी ये प्रयास करेंगे कि जो भी पूजा होता है और तो उसमें साफ सफाई और जो सारी एक पंचायत स्तर से व्यवस्था होनी चाहिए उसमें हम कहीं पता ही नहीं पड़ते। ठीक है, धन्यवाद। दुर्गा पूजा का विसर्जन था, कितने अच्छे से हुआ है? बहुत बढ़िया से हुआ। बहुत दिनों के बाद कोरोना से मारे हुए लोग दो साल के बाद इस बार जो हुआ है तो बड़ी धूमधाम से बड़ी पवित्रता के साथ दुर्गा पूजा हम लोग शांति प्रिय वातावरण में बहुत बढ़िया से मनाए। क्या कैसा रहा, मतलब आज के दिन क्या क्या हुआ है? आज विसर्जन हुआ है, इसके बाद रंगारंग प्रोग्राम हुआ, मतलब इस आए थे मिथिला मंच के लोग, इसके बाद प्रोग्राम भाषण किया गया है। क्या, इस कमेटी में क्या हैं आप? हम समिति में मुझे स्टोर से लेके पूजा समिति के काम करता है। कैसा, मतलब पिछले साल जो हुआ था पूजा और इस बार क्या अंतर रहा है? इस बार बहुत अंतर हो गया, और साल तो सिर्फ हम लोग पूजा पर ही, इस बार मेला से लेके पूजा तक बहुत धूमधाम से हम लोग, क्या नाम, समाज पूरा एरिया के लोग आप तो आप भी बताइएगा देखने के लिए। क्या नाम है आपका? जगदीप झा। प्रयास